हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल रेसिपी है नारियल के लड्डू की, जिन्हें हमने ट्राई कलर में बनाया है। और ये खाने में जितने ज़्यादा डिलीशियस हैं, उतने ही बनाने में बहुत ही आसान हैं। और इन्हें बनाने में हमने ना तो कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और ना ही खोए का इस्तेमाल किया है, बल्कि घर के ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इन्हें तैयार किया है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इन लड्डुओं को बनाने में हमने 2 कप नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया है। यह आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। तो देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून देसी घी इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब हम इसमें नारियल डालेंगे तो उसमें से भी थोड़ा सा जो ऑयल होता है वो रिलीज़ होगा, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे नारियल का बुरादा। और नारियल का बुरादा डालने के बाद में लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। बस नारियल का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए, हमें इसे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा इसे हम नहीं भूनेंगे। हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि जो नारियल का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून शुगर। मैं यहाँ पर शुगर का बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/4 कप शुगर से ये जो लड्डू है नारियल के, इनमें बहुत कम मिठास आएगा क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। और अगर आप सही मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कीजिएगा। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर, और यह शुगर को आप अपने जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और हरी इलायची का पाउडर ऐड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैं 1 कप दूध इसमें डाल दूंगी और दूध डालने के बाद में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे क्योंकि नारियल जो होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए लो फ्लेम पर ही इस रेसिपी को हम बनाएंगे लगातार चलाते हुए। और अब इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर, इसी तरह से चलाते हुए हमने इसे पकाना है। और अब एक ख़ास इंग्रेडिएंट हम इस लड्डू के मिक्सचर में डालेंगे जिससे कि इसकी खोए की कमी पूरी हो जाएगी और जायका इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क पाउडर। इसे डालने से जो खोए की कमी होती है लड्डुओं में वो पूरी हो जाएगी और इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसे आप ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर कढ़ाई से अलग ना होने लगे। और फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे हमने पकाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो कढ़ाई से अलग होने लगा है। बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लड्डू का मिक्सचर तो एकदम रेडी हो चुका है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख ही सकते हैं कि इस मिक्सचर ने कढ़ाई से अलग होना शुरू कर दिया है। और क्योंकि ये जो लड्डू हैं इन्हें हम ट्राई कलर में बना रहे हैं, इसलिए हम इन लड्डुओं के मिक्सचर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब एक मिक्सचर को तो हम ऐसे ही वाइट रहने देंगे, अलग रख देंगे। और अब ये जो 2 मिक्सचर हैं इनमें हम ग्रीन एंड ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर, तो थोड़ा सा हम ग्रीन कलर इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें ऐड करेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लड्डू बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मिक्सचर इसमें से ले लेंगे लड्डू बनाने के लिए। और इस तरीके से इसकी छोटी छोटी गोले हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे सारे लड्डू बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं, बट अभी इनमें कुछ अधूरापन है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। हम इन्हें किसी भी ड्राई फ्रूट से या चांदी के वर्क से गार्निश नहीं करेंगे, बल्कि हम इन्हें गार्निश करेंगे नारियल के बुरादे से। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है, उसमें नारियल का बुरादा है, और अब ये जो लड्डू हमने बनाकर तैयार किए थे उनको इस नारियल के बुरादे में अच्छे से रोल करेंगे, ताकि जो नारियल का बुरादा है इनके ऊपर कोट हो जाए। तो इनकी जो खूबसूरती होती है लड्डू की, वो बहुत बढ़ जाती है इस तरीके से। और कोई ड्राई फ्रूट से चांदी का वर्क आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे नारियल के लाजवाब लड्डू बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो इस इंडिपेंडेंस डे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।